हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में निकली हुई है, एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट जो दे रखी है 18 अगस्त 2023 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जो इन्होंने बता रखे है यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ, लिखा है कि जो एप्लीकेशन है जो यहाँ पे इन्वाइट की गई है, ये जो वैकेंसीज निकली है ब्लॉक लेवल हेल्प डेस्क के अंत उसमें निकली हुई है, अंडर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के अंतर्गत निकली हुई है। एप्लीकेशन जो है यहाँ पे फॉलोइंग पोस्ट है, यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट रहेगी, एक ही वैकेंसी है। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 20,000 पर मंथ रहेगी। अगर आपको यहाँ पे लिखे कि कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या फिर असेंशियल क्वालिफिकेशन या वर्क कैरियर एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे कि आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड से भेजना है, यानी आपका कंप्लीट बायोडाटा एक उस पर या फिर अपना सीवी लगा लो, उसके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो है यहाँ पे इन्होंने जो एड्रेस मेंशन किया हुआ है इस एड्रेस पे सेंड कर देनी है। जैसे ये आपका है द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डिविजन, टाउन हॉल एक्सटेंशन बिल्डिंग 3rd फ्लोर सेक्टर 17C चंडीगढ़। और जो लास्ट डेट दे रखी है 18 अगस्त 2023 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे लिखे कि जो भी एलिजिबल या फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे अगर वो यहाँ पे इंटरव्यू और टेस्ट होने के लिए आते हैं तो उनको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होगा कि हाँ हमने इसमें कोई चेंजेस करने हैं या फिर इसकी वैकेंसी बनाई क्वालिफिकेशन में, तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे उसे अपलोड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो जिसके ऑफिशियली वेबसाइट है वो लगातार चेक करते रहे। तो यहाँ पे इन्होंने दो वेबसाइट बता रखी है, आपने यहाँ पे लगातार चेक करते रहना है। और यहाँ पे बता रखे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास राइट है अगर वो जो इसके पूरे रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकते हैं, और जो भी इलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड जो आपको डेट एंड टाइम रहेगा आपके इंटरव्यू का उसको जो है सेपरेटली यहाँ पे इंटीमेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखे कि अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, यानी आपने उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है नहीं भरी है, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, कोई भी ऐसी जानकारी है नहीं भरी है, तो उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने उसके साथ डॉक्यूमेंट नहीं अटैच किए हुए, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है या फिर वो अटेस्टेड नहीं है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे इन्होंने लास्ट डेट बता रखी है 18 अगस्त 2023 है, अगर इससे बाद में आता है तो उसे एंटर नहीं किया जाएगा, उसे भी सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी रीजन के। देन यहाँ पे बता रखे कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आपको इसके ऑफिशियली वेबसाइट लगातार चेक करते रहेंगे। कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिटेल बता रखी है कि कौन सी पोजीशन रहेगी, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एंड क्या उसका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज है, एक ही वैकेंसीज रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन जिन मांगी लिखे कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ कि इसमें होनी चाहिए, इसलिए जस्ट ग्रेजुएशन मांगी लिखे कि एटलीस्ट आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ, और आपका जो ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में। इसके लिखे कि मैंडेटरी लोकल जो कैंडिडेट है शुड बी एंगेज्ड। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता रखी है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की रहेगी, एक ही वैकेंसी है, 20,000 आपको यहाँ पे पर मंथ दिया जाएगा। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है, यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, लास्ट डेट जो दे रखी है 18 अगस्त 2023 है। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसपे आपका कंप्लीट बायोडाटा होगा या फिर CV, और उस पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, उसके साथ साथ जो भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट रहेंगे, जैसे आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का आ गया, आपका यहाँ पे एटलीस्ट एक्सपीरियंस का आ गया, ये आपने जो इसके साथ अटैच करनी है, इनकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अगर आपने इसमें से कोई भी अटेस्टेड नहीं किया है या लास्ट डेट के बाद आया या डॉक्यूमेंट टच नहीं किया तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको ऐसा कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे या फिर लिखा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो उनको जो है सेपरेटली जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा कि क्या उनकी टाइमिंग रहेगी, डेट रहेगी। इसलिए आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो भी आपने अपने इसके साथ कंप्लीट बैठे उसमें अपना जो फोन नंबर है एंड जो ईमेल आईडी है वो जरूर मेंशन करनी है और एक वैलिड होनी चाहिए। और आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा रहेगा। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल देन या लिस्ट ऑफ इसके लिए बता रखी है। एंड यहाँ पे बता रखे कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फिलिंग अप फॉर द पोस्ट ऑफ प्योरली ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पे, ये वैकेंसी फॉर सेटिंग अप ब्लॉक लेवल हेल्प डेस्क अंडर यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखे ये रहेगी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की है, और ये जो वैकेंसीज है कॉन्टैक्ट बेसिस पे, यहाँ पे इन्होंने पहले ही मैंशन कर रखा है कि ये कॉन्टैक्ट बेसिस पे ही है। देन ये जो अंडर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण के तहत ऑफलाइन मोड से आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।